सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सवेरे से ही बधाई ले रहे थे। सैफई में पहले अपने घर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिले, फिर घर के बगल में बने पार्टी ऑफिस पहुंच गए। यहां कई जिलों के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। वैसे तो उन्होंने सिर्फ मैनपुरी के नेताओं को ही बुलाया था। मैनपुरी के करहल सीट से वे पिछली बार विधायक चुने गए थे। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। आज या कल में विधानसभा अध्यक्ष से मिल करके वे इस्तीफा भी दे देंगे। इसके बाद वे दिल्ली चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से अखिलेश यादव बेहद खुश हैं। इसके लिए उन्होंने बैठक में आए कार्यकर्ताओं को बधाई दी और लगे हाथ उन्होंने अगला लक्ष्य भी दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे की लड़ाई और भी बाकी है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अब मुझे एक सीट छोड़नी पड़ेगी, बहुत जल्द विधानसभा में हम सीट छोड़ने की भी जानकारी दे देंगे। बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब दो जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी मैं विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां जो भरी नहीं गई हैं उनको भरा जाएगा और जो आरक्षण है उसका भी पूरी तरीके से पालन होगा। मंत्री, संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इससे उत्साहित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा है, पार्टी का अगला निशाना और लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का रहेगा। इसलिए अभी से 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोर शोर से जुट जाना है। उन्होंने कहा कि इस बार हमें 300 विधायकों के साथ 2027 में यूपी में सरकार बनाना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सैफई स्थित पार्टी ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बदलने के मुद्दे पर जनता ने हम सब का सहयोग किया है, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी इतने बड़े जनमत के साथ आज देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि बेशक एनडीए ने सरकार बना ली है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने शपथ ली है वो खुश नहीं है और सरकार बनाने वाले भी खुश नजर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद जनता में भी खुशी का एहसास नहीं है। अखिलेश ने कहा कि केंद्र में सरकार बनाने वालों के चेहरे की खुशी नहीं दिखाई दे रही है। अगर एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित है कि देश में जरूर कुछ न कुछ नया होता। वाकई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो जनता को सूचना कुछ नया देखने को मिलती और इंडिया गठबंधन देशवासियों को कुछ नया जरूर भी देता। केंद्र में नवगठित एनडीए सरकार से देशवासियों को कुछ नया नहीं मिलने वाला है। देखिए, गिनती की गिनती है, आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।